हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और टाइम हो चुका है अभी 11:30। अब जाकर हम चाय पी रहे हैं, लड्डू के पापा और लड्डू ऊपर हैं टेरिस पर, फ़ोन पर बात कर रहे हैं। यहाँ लड्डू के पापा लड्डू को दूध पीने के लिए फोर्स कर रहे हैं क्योंकि वो पीती ही नहीं है जब से उसने बोतल का दूध छोड़ा है। पहले मिल्क खत्म करो अपना। हाँ रख दो। लड्डू दूध में गिनना चाहिए बेटा, ये भी चाय जैसी होती है। अच्छा लगा ना? टेस्टी है ना? शक्कर डाली उसमें? शक्कर है उसमें? दूध पीने में पहले तो भैया बोतल छोड़ती नहीं थी, अब दूध नहीं छू रही है। पी लो, पी लो, फटाफट पी लो, आंख बंद करके एक ही बार। मैं तो बोलने पी लिया, मैंने दे दिया। तुम इनको टिका रहे लड्डू गोपाल को। पी ले, उन्होंने पी लिया। वो शक्कर है क्या है? वो टेस्टी क्या है? पी लो एक ही बार, पी लो। वो टेस्टी धीरे धीरे करके अब मना कर देंगे। लड्डू के पापा को लड्डू की बहुत ज़्यादा फिक्र होती है तो देख ही सकते हैं आप। डांटते हैं हम लोग उसे बट प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, डांटना भी पड़ता है बच्चों को। आज लड्डू सुबह से इतना बोल रही है कि मैं क्या ही बताऊं। ऐसी ऐसी बातें कर रही है कि हम दोनों हंस हंस के पागल हो रहे हैं। और ये देखिए पापा की परी को, खुद शॉर्ट्स देख रही है, बढ़िया फ़ोन चला रही है और पापा से पैर दबा रही है। मुझसे कहती है पैर दबा दो पापा से, बोलो। बोला देख पापा खाएंगे एक तुम्हारे लिए, देख तुमने मुझे दे दिया था, तुम्हारा लड्डू कहाँ है? मैं क्या बोला दे दिया? कहाँ गया लड्डू? बस तो अब ये मेरा है। जाओ रे भैया भैया। नहीं नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा, तुमने सब तो खा लिया, लड्डू भी खा लिया, ये भी खा लिया। आधा मेरा है आधा आपको का है। क्या यार लड्डू थे भी। क्या चाहिए तुमको? ओ भैया। लड्डू को खिला देना, तुम खिला देना, मैं तो नहीं खिला रही उसको। लो भैया ले, ये नहीं खा रहा, रख उसको दे। यार बाबू तो ही बोला नहीं जा रहा। तुमने खा तो लिया था? नहीं नहीं, नहीं। बस 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 खा ले ले, खा ले। आ करो बिट्टू, मत कर रहे हैं। गिनना नहीं चाहिए, गिनना नहीं चाहिए, गिनना नहीं चाहिए प्रसाद। चलो बिट्टू खाना खा लिया, अब बर्तन मांझ लो। तुम इग्नोर क्यों कर रहे हो मेरी बात को? चलो बर्तन साफ कर लो। मम्मी को समझा देना क्या बोल रही है। बिट्टू बनना मुझे बता कि बर्तन कौन साफ करेगा? मम्मा। क्यों? नहीं मम्मा बर्तन मैं नहीं करूंगा, बड़े पापा करेंगे बेटा। नहीं पापा, बलून खेलने जा रहे। हां बलून खेलने जा रहे। हां आज हैप्पी होली है। आज हैप्पी होली है? हां बेटा मेरा हाथ कट गया ना देखना, मैं से बर्तन नहीं साफ होंगे। मम्मी आ सकते नहीं, तुम भी चाची जीता। क्या बताई? सब्जी फंस गई, गिरी हाथ नहीं करना। बेटे तो इतना बात करना कहाँ से सीखा तू? क्यों कचड़ू? क्यों उल्टे हाथ से नहीं लेते बेटा, राइट हैंड से लिया करो प्रसाद। बाबू ने ले लिया था वो तो। चलो हो गया, अब बात से बात कितना ही मिलेगा लास्ट टाइम। पापा भी नहीं डूबे। चलो खाओ। चलो कहाँ चली लड्डू? मेरे पास रहेगी।
तो फ्रेंड्स यहाँ बज चुका है 2 और लड्डू के पापा गए हुए थे 11 बजे गैस टंकी के लिए। ऐसा गए नहीं थे, फ्रेंड से मिलने गए थे, तो फिर उन्होंने उन्हें याद आया कि कल तो होली है और मोस्टली हमारी जो गैस टंकी है होली के दिन हमेशा ही ख़त्म होती है और हमारे पास एक्स्ट्रा टंकी है बट हमने भरवा कर ही नहीं रखी थी। फिर लड्डू के पापा लेकर गए और उन्होंने टंकी भरा कर लेकर आए हैं और गए हुए थे, तो मैंने उनसे बोला कि मुझे बलून्स चाहिए लड्डू की फ़ोटोशूट वगैरह के लिए और उन्होंने ये देखो कौन से बलून ला कर दिए हैं जो होली खेलते हैं वो। मुझे चाहिए थे जो बर्थडे वाले बलून्स बट ठीक है इनको भी यूज़ में ले लेंगे, बट लड्डू तो अभी ही खेल के फोड़ रही है उन्हें और कह रही है जादू। तो आज होने वाली है होली की तैयारियाँ, तो हम बताते हैं आपको कि हमारे यहाँ होली की तैयारी कैसे होती है क्योंकि ये हमारी फर्स्ट होली है यहाँ पर। तो ये जो ग्राउंड है यहाँ का काफ़ी अच्छा और बड़ा मैदान है यहाँ पर, तो अंकल ही जो हमारे ऑनर हैं वो ही होली की तैयारी करते हैं और जो इसके एक साइड में बनी हुई है होली की तैयारी हो रही है वो बच्चों ने करी है छोटी सी। और लड्डू के पापा और लड्डू भी गए हुए हैं तैयारी करवाने के लिए। फ्रेंड्स अभी हम लोग आए हैं मार्केट, 7 बज चुका है, लड्डू के लिए पिचकारी लेके लेने के लिए लड्डू के पास थी बट हमने कहा कि एक और एक्स्ट्रा दिलवा देते हैं। फ्रेंड्स हम लोग आए थे आनंद नगर की मार्केट, मेरा मन नहीं माना तो मैंने लड्डू के पापा से बोला कि यार मोबाइल में तो फ़ोटो इतनी अच्छी आती नहीं, क्लियरिटी नहीं आती है, तो अपन लोग फ़ोटो शूट करवा देते हैं थोड़ा सा लड्डू का, छोटा मोटा इतना बड़ा नहीं। तो मैंने सोचा था कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी फ़ोटोज़ आएंगी बट इतनी अच्छी नहीं आएंगी। मैं आपको बताती हूँ स्क्रीन पर कैसी फ़ोटो आई थी लड्डू की, अच्छी फ़ोटो हैं पर बहुत ज़्यादा ही जो कि होनी चाहिए वो नहीं थी। और लड्डू जी बहुत इंटरेस्ट से फ़ोटो क्लिक करवा रही थी। मैं आपको एक दो फ़ोटो और बताती हूँ कि कैसी फ़ोटो आई है लड्डू की। तो हम कुछ प्लान करके नहीं आए थे कि ऐसा कुछ करवाएंगे और देखिए लड्डू की चप्पल पहन कर आई है लड्डू जी, इतने क्या ही बताऊँ मैं, शूज़ पहन कर आती हमेशा मार्केट कहीं भी जाती है, शूज़ के बिना जाती ही नहीं है, और आज मैडम चप्पल पहन कर आ गई हैं और इतनी गंदी लग रही थी मेरे को तो ऐसी आ रही लड्डू जी के ऊपर, बट ठीक है यार अब क्या कर सकते हैं, लोग बाग जो भी हैं देख रहे हैं फ़ोटो वगैरह व्हाट्सअप फेसबुक और इंस्टा पर, तो वो यही बोलेंगे कि चप्पल तो चेंज कर देती यार, मैं क्या करूँ, मैं कुछ सोच कर नहीं आए थे हम लोग, बस आ गए थे। लेकिन लड्डू जी को भी बहुत मज़ा आया बट वो स्माइल ही नहीं कर रही थी, स्माइल उनके फेस पर आ ही नहीं रही थी, उनको इतना समझाया लड्डू जी स्माइल करो स्माइल करो, तो थोड़ा सा घबरा भी रही थी लेकिन मज़ा उसे बहुत आ रहा था। तो फ्रेंड्स यहाँ जा रही है लड्डू जी की मम्मा और लड्डू जी पूजा करने के लिए। ये देखिए हमारे यहाँ का डेकोरेशन होली का माता का। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरी साड़ी मुझे इतनी ज़्यादा प्यारी है, मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही ख़ास है मेरे लिए क्योंकि ये मुझे मेरे भाई अविनाश ने मुझे रक्षाबंधन पर गिफ्ट किया था, बहुत प्यारी साड़ी दी थी अविनाश, थैंक यू। बस मैं इसे कम पहनती हूँ क्योंकि मुझे फिर बहुत ज़्यादा ही याद आती है अविनाश की। तो होली का दहन का टाइम दिया था अंकल जी ने 8:30 का और सभी धीरे धीरे आ रहे थे तो 9 ही बज गया था। लड्डू आज इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, ऊपर से इतनी सुंदर लग रही थी, आप लोगों को लगे या ना लगे वो मुझे नहीं पता बट मुझे और लड्डू के पापा को इतनी क्यूट लग रही थी कि मैं क्या ही बताऊं।
और यहाँ हम लोग ले रहे हैं परिक्रमा। लड्डू मेरी गोदी में बैठकर मैं इतनी थक गई थी क्योंकि मैं खुद इतनी मेरा खुद इतना वेट है और मैं लड्डू को लेके कर रही थी ना परिक्रमा, मुझसे बन भी नहीं रहा था। और लड्डू को तो मज़ा आ ही रहा था। लड्डू तो यार बहुत क्यूट है यार, कभी उसकी ब्लॉगिंग देखी होगी आप लोगों ने, कितनी अच्छी ब्लॉगिंग करती है और बातें तो इतनी अच्छी करती है यार कि जो इसे जानता होगा ना वही समझ सकता है कि लड्डू क्या है। तो फ्रेंड्स बस आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। कल के ब्लॉग को देखना ना भूलें।